अब आप 100 पैसे पेटीएम पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इसमें कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले एफडी को ब्रेक कर देते हैं तो पेनल्टी देना होगा या नहीं देना होगा, अगर देना होगा तो कितना देना होगा। तो चलिए पूरा डिटेल कवर करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। सबसे पहले आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अपने से पैसा नहीं डाला जाता था। जब पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता था तो उसको अपने आप एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसमें आपको 6.65% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि 1 लाख रुपया कम से कम अकाउंट में होना चाहिए। सबके अकाउंट में तो 1 लाख रुपया नहीं हो पाता था, तो इसलिए सब नहीं कर पाते थे। तो इस पेटीएम ने नया अपडेट लाया जिसमें आप 100 रुपये से लेकर जितना चाहे उतना का एफडी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा 6.65% पर एनम के हिसाब से, जो कि सेविंग अकाउंट में 3.5% के हिसाब से मिलता है। लगभग डबल मिल रहा है सेविंग अकाउंट की तुलना में। आप जितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपको दिखता रहेगा कि इतने अमाउंट का इतने दिनों में इतना इंटरेस्ट अर्न किया है। इसमें आप 13 महीना तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ब्रेक करने पर कोई पेनल्टी नहीं है, जब चाहे और जितना चाहे उतना ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए, अगर 5,000 रुपये निकालना चाहते हैं तो 5,000 रुपये निकाल सकते हैं और 5,000 रुपये आपके एफडी अकाउंट में पड़ा रहेगा। उसमें आपका इंटरेस्ट वो जो रेट है इंटरेस्ट आपको 6.65% के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलते हैं और सारा लाइव करके बताते हैं। आपका सबसे पहले तो आपका पेटीएम फुल KYC होना चाहिए पैन कार्ड के साथ। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हमने फ्री में पैन कार्ड कैसे बनाए उसका वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाके अपना पैन कार्ड बना लीजिए। पैन कार्ड बनाने के बाद आपका फुल KYC हो जाएगा। फुल KYC होने के बाद आप एफडी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पहले से एफडी अकाउंट कोई नहीं बनाए हुए हैं तो आपको बैंक वाले सेक्शन में जाके क्रिएट एफडी अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट एफडी अकाउंट पे क्लिक करते हैं, 24 घंटे से कम समय में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही आप जब जितना अमाउंट का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट एफडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जितना अमाउंट का चाहते हैं उतना अमाउंट डालेंगे और आपके पेटीएम सेविंग अकाउंट से आपका बैलेंस कट के एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट रेट मिलना चालू हो जाएगा। फिर अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक एफडी पे क्लिक करेंगे और ये जितना अमाउंट ब्रेक करना चाहते हैं उतना अमाउंट डालेंगे और क्लिक करते ही आपके इंटरेस्ट के साथ आपके पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। एक और जरूरी बात आपको बता दें, अगर आप 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर लिए पूरे होल फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक साल में अगर आप 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर लिए हैं तो आपका TDS चार्ज कटेगा। अगर 5 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका TDS कटेगा। अगर आप 5 लाख रुपये से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई TDS नहीं कटेगा। आप इन्वेस्ट कीजिए और कोई टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।